तो दोस्तों भारत और नेपाल के बीच के जो अभी संबंध हैं वो अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। और अगर इसका कोई सबसे बड़ा मुख्य कारण है, अगर कोई मेन रीज़न है, तो वो है नेपाल के प्रधानमंत्री, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। उन्होंने भारत और नेपाल के जो रिलेशनशिप है उसको इतना डैमेज पहुँचाया है कि जो वहाँ के आने वाले लीडर्स हैं फ्यूचर के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि भारत और नेपाल के बीच जो डैमेज केपी शर्मा ओली ने किया है उसको वो रिपेयर कर सके और इस रिलेशनशिप को यहाँ से सुधार सके और बिगड़ने से। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है उसी को लेकर हम बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं नेपाल के एक बड़े ही सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर पोष राज पांडे जी, इनका इन्होंने कुछ अपने बात अपनी बात इन्होंने रखी है भारत और नेपाल मुद्दे पर, तो मैं आज आप उनके बात का क्या इम्पोर्टेंस है, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं और स्पेशली नेपाल को इनकी बातों से क्या सीखना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इन्होंने एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि नेपाल इंडिया रिलेशनशिप शुड नॉट डिटोरियोट ओवर द बॉर्डर इशू एज द लैंडलॉक कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन इट्स सदर नेवर। दोस्तों, यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री के बाद उन्होंने अपने देश नेपाल की बात की है, और सदर नेवर का मतलब यानी कि इंडिया, इंडिया साउथ में है। इंडिया वैसे तीन डायरेक्शन से इंडिया से घिरा हुआ है, नेपाल नॉर्थ में चाइना पड़ता है। सो इट्स डिपेंडेंट ऑन इट्स सदर नेवर फॉर ऑल द एसेंशियल आइटम्स एंड इट वुड बी अनवाइज टू कंसिडर चाइना एज एन अल्टरनेटिव। ये किन्होंने कहा है, तो ये है नेपाल के सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर पोष राज पांडे। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि जो नेपाल और भारत का जो रिलेशनशिप है अब यहाँ से और ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो ये लैंडलॉक कंट्री है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो ये लैंडलॉक कंट्री है यानी कि नेपाल, ये अपने सदर नेबर यानी कि भारत पे जितने भी एसेंशियल आइटम है उसके लिए ये पूरा डिपेंडेंट है, और ये अनवाइज होगा कि वो चाइना को अल्टरनेटिव कंसीडर करें। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट, यानी कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट नेपाल पे क्या पड़ेगा उसकी बात कर रही हैं, कि इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट विल डिपेंड हाउ इंडिया विल रिएक्ट टू दिस इशू। उन्होंने कहा है कि नेपाल पे इस इशू का क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि भारत किस तरीके से रिएक्ट करता है। दोस्तों, भारत अभी तक ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया है, ना ही कोई ऐसा सच स्टेटमेंट दिया है जो कि नेपाल के खिलाफ हो। इंडिया भी यहाँ पे वेट एंड वॉच का पॉलिसी अपनाया हुआ है। दोस्तों, इन्होंने ये भी कहा कि नेपाल इज नॉट ओनली अ लैंडलॉक कंट्री बट ऑल्सो इट इज इंडिया लॉक्ड। इंडिया लॉक्ड का मतलब नेपाल लैंडलॉक तो है भारत और चाइना के बीच में, पर ये इंडिया लॉक भी इन्होंने वर्ड यूज़ किया, क्योंकि नेपाल तीन तरफ से, तीन डायरेक्शन से इंडिया से घिरा हुआ है, और नॉर्थ में वो चाइना से घिरा हुआ है, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय इंडिया फ्रॉम द थ्री साइड। इन्होंने ये भी बोला है कि द सिचुएशन विल बिकम वल्नरेबल इफ इंडिया रिटालिएट्स। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया रिटालिएट करता है यहाँ पे, तो ये जो नेपाल में सिचुएशन होगा वो वल्नरेबल हो जाएगा, एंड इट विल हैव अ ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द कंट्री, यानी कि नेपाल पर काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा वहाँ के इकोनॉमी पे। और दोस्तों, इनके बारे में बता दें कि ये पिछले 20 साल से इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इनका अनुभव जो है आप समझ सकते हैं कि कोई अगर 20 साल से इस फील्ड में है तो उस इंसान का अनुभव कितना होगा, और अगर वो कोई बात कह रहा है तो उसके बात का वजन कितना होगा, क्योंकि दोस्तों उनको इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा ज्ञान है, तभी उन्होंने कहा है। अब दोस्तों, क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट हैं तो वो ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करेंगे, और किस तरीके से नेपाल पे इसका असर पड़ेगा वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं दोस्तों, आप वो भी समझ लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अब दोस्तों, नेपाल जो है वो भारत से, मैंने कहा कि एसेंशियल आइटम मंगाता है, तो इंडिया से वो क्या मंगाता है तो आप वो भी जान लीजिए। वो ऑयल मंगाता है, गोल्ड, आयरन, स्टील, क्लॉथ्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, फूड एंड व्हीकल्स। ये जो एसेंशियल आइटम्स हैं नेपाल भारत से इंपोर्ट करता है, मंगाता है। अब दोस्तों, अगर यहाँ हम बात करें नेपाल के टोटल इंपोर्ट का, तो वो जितना दूसरे देशों से मंगाता है उसमें वो 58% मोर देन 50% आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 58% जो नेपाल का इंपोर्ट है वो इंडिया से है, यानी कि
आउट ऑफ 158% वो इंडिया से मंगा रहा है। वहीं अगर दोस्तों हम उनके नए फ्रेंड चाइना की बात करें, जिनसे कि केपी शर्मा ओली की बहुत ज़्यादा इस अभी आप कह सकते हैं कि काफ़ी उनके तरफ झुकाव है, तो चाइना से अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो सिर्फ 14% है। तो दोस्तों आप डिफरेंस देख सकते हैं, और इसी के तरफ वो इशारा कर रहे थे कि किस तरीके से नेपाल जो है वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। 14% चाइना है एंड 58% नेपाल है, यानी कि मोर देन फोर टाइम भी करिएगा तो 56% होगा। लेकिन यहाँ पे 58% इंपोर्ट इंडिया से है एंड 14% जो इंपोर्ट है वो चाइना से है, जो कि काफ़ी कम है इंडिया के मुकाबले। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो दोस्तों एक्सपोर्ट इंडिया जो है वो नेपाल का 60% एक्सपोर्ट रिसीव करता है, यानी कि अगर नेपाल दूसरे देशों में सबसे अगर भेजता है तो उसमें वो सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया को भेजता है। कितना भेजता है? 60%। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि उनके एक्सपोर्ट का 60% जो है वो इंडिया में भेज रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें चाइना, तो वो लेस देन 2% वहाँ पे भेजते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इम्पोर्ट की बात करें तो भी वो इंडिया से 58% सामान वो इंडिया से ले रहे हैं। अगर हम बाहर भेजने की बात करें तो वो अपना टोटल एक्सपोर्ट का जो है वो आप कह सकते हैं कि 60% इंडिया को भेज रहा है। तो यानी कि वो टोटली डिपेंडेंट है इंडिया पे। और इसी तरफ उन्होंने इशारा किया था कि अगर यहाँ से जो सिचुएशन है इंडिया और नेपाल के जो बीच का जो रिलेशन है, जिसको कि केपी शर्मा ओली डैमेज करने में लगे हुए हैं, अगर यहाँ से नहीं सुधरता है तो नेपाल पे जो वहाँ की इकोनॉमी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि जो सच्चाई थी वो यही थी जो उन्होंने नेपाल को इशारे में बताया है। और दोस्तों ये तो ट्रेड और कॉमर्स की बात थी कि इकोनॉमिक पार्टनर की बात करें, ट्रेड पार्टनर की बात करें। दोस्तों वैसे भी भारत और नेपाल जो है वो सांस्कृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, पारंपरिक रूप से जुड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों नेपाल और भारत का रिश्ता जो है वो सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स तक ही नहीं है, जैसे इंडिया का बाकी देशों के साथ है। नेपाल और भारत का जो रिश्ता है उसको रोटी और बेटी का रिश्ता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रोटी और बेटी का रिश्ता? क्योंकि नेपाल के जो 60 से 80 लाख के बीच के जो लोग हैं वो यहीं रहते हैं। करीब 6 to 8 million जो लोग हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं और अपना कंट्री को भेज रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैरिज की बात करें तो इंडिया और नेपाल के बीच में मैरिज भी है, यानी कि यहाँ के लोग जो है वो नेपाल के लोगों से शादी करते हैं और वाइस वर्सा कि वहाँ के लोग भी जो इंडिया के लोगों से शादी करते हैं, यानी कि यहाँ पे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट लेवल पे सिर्फ फ्रेंडशिप है, यहाँ पे पीपल टू ग्राउंड जो आप कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर यहाँ पे रिलेशनशिप है। तो इसीलिए रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। दोस्तों करीब 30,000 गोरखा आर्मी है फौज, वहाँ के जो गोरखा है नेपाल के, वो भारतीय आर्मी में, इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं इंडिया के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर नेपाल को, और पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर नेपाल के लोगों को नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के 99% जो लोग हैं वो आज भी इंडिया से फ्रेंडशिप ही चाहते हैं, उनको इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, उनको ये बात समझना पड़ेगा, उनको ये डेटा पढ़ना पड़ेगा, वो अपने इंपोर्ट को देखे, वो अपने एक्सपोर्ट को देखे, और फिर वो इस बात को रियलाइज करे कि अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन बिगाड़ते हैं, डैमेज करते हैं, जो कि वो कर रहे हैं, और अगर आगे भी अगर इस तरीके से कुछ एग्रेसिव वो होते हैं तो उनके इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो पोषराज पांडे जी से वो एक बार ज़रूर पूछ ले, ताकि अगर वो अपने देश का भला चाहते हैं, उनका उस पर बुरा असर ना पड़े इकोनॉमी पे, तो उनको ये सोचना होगा। दोस्तों देखिए, किसी कंट्री के साथ किसी कंट्री का बायलेटरल रिलेशन होना गलत बात नहीं है। अगर चाइना के साथ उनका बायलेटरल रिलेशन है तो इसमें इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं भी मानता हूँ। अगर चाइना के साथ नेपाल की दोस्ती बढ़ती है तो यहाँ कोई इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। क्योंकि ये किसी भी कंट्री के लिए उनका अपना राइट है, उनको सॉवरन है, वो इंडिपेंडेंस है कि उनको किसके साथ बायलेटरल रिलेशनशिप रखना है। लेकिन दोस्तों जब भी हम किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि हमको एट वॉट कॉस्ट, हम किसी कंट्री के साथ बायलेटरल रिलेशनशिप अगर हम बना रहे हैं तो उसके बदले में हमको कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे केपी शर्मा ओली जो है वो अपने एक पुराने मित्र को डैमेज, या अपनी जो दोस्ती है उसको डैमेज करके यहाँ पे चाइना के साथ वो अपने झुकाव जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, और ये नेपाल के लिए आप कह सकते हैं कि सही चीज़ नहीं है। और दोस्तों नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर को झुकाव है चाइना की तरफ, तो उनको और ज़्यादा झुकने से पहले श्रीलंका,
केन्या पाकिस्तान के एग्जाम्पल को उनको एक बार देख लेना चाहिए कि किस तरीके से नेपाल कभी श्रीलंका भी चाइना के झांसे में आया था और आज उनको हम्बन टोटा फोर्ट चाइना को 99 ईयर के लीज पर देना पड़ा। आज किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो चाइना के कर्ज में डूबा हुआ है और किस तरीके से केन्या को अपने जो सबसे लार्जेस्ट और ल्यूक्रेटिव पोर्ट था द पोर्ट ऑफ मोम्बासा वो चाइना के हाथों देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? तीनों ही केस में क्या था कि तीनों ही जगह चाइना जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, डेवलपमेंट का सपना दिखाया, तरक्की के सपने बेचे उसने और इन सभी देशों को कर्जा दिया और कर्जा में डूबे रहे। दोस्तों नेपाल का भी यहाँ पे वही हाल है। आज अभी नेपाल और श्रीलंका चाइना के बीच में ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगना है और यहाँ पे नेपाल जो है वो चाइना से कर्ज लेगा और बाद में नेपाल उस कर्ज को नहीं चुका पाएगा और शायद नेपाल की भी वही सब कुछ नेपाल के साथ भी होगा जो श्रीलंका के साथ हुआ, केन्या के साथ हुआ और पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बायलेटरल रिलेशनशिप हमको बनाने के लिए कुछ फॉरेन पॉलिसी भी होना चाहिए हमारे पास। ऐसा नहीं होता है कि हम अपने किसी जो पुराने फ्रेंड है उसके साथ हम अपनी दोस्ती को तोड़ें और हम अपने किसी एक नए फ्रेंड के साथ करें। दोस्तों उससे पहले हमको सब कुछ देखना पड़ता है कि हमारा उस कंट्री के साथ ट्रेड कैसा है, डिफेंस पैक्ट कैसा है, सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद ही किसी कंट्री के साथ आप कह सकते हैं कि बायलेटरल टाई करना चाहिए कि हमको उससे कितना फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में मैं जो रियलिटी था उसको मैंने सामने रखने का मैंने कोशिश किया है और पोषराज पांडे जी इंडिया के नहीं है, वो नेपाल के ही हैं और उन्होंने भी इशारे में बताने की उन्होंने कोशिश किया था कि किस तरीके से नेपाल जो है वो भारत पर ओवर डिपेंडेंट है और केपी शर्मा ओली को कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे कि उनके ही देश के और देशवासियों को नुकसान हो। यहाँ पे भारत का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। अगर इकोनॉमी पे असर पड़ेगा तो नेपाल के इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही और आशा करता हूँ कि जो भी मैंने इस वीडियो में दिखाया है वो रियलिटी है और इस रियलिटी को हर आप यूँ कह सकते हैं कि स्पेशली जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसको ये रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूँ। वहाँ के लोग जो हैं वो आज भी इंडिया के साथ हैं और इंडिया के खिलाफ वो कभी न थे और न कभी रहेंगे। अभी जो वहाँ की गवर्नमेंट है वही इस तरीके से इंडिया के खिलाफ है। सो वीडियो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और उस वीडियो में भी मैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और अगर इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप पे कुछ नया अपडेट आता है, कुछ नए यहाँ पे एक्शंस और रिएक्शंस आते हैं तो उसको भी लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों इससे पहले भी मैं इंडिया और नेपाल के ऊपर जो रिलेशनशिप के ऊपर बहुत से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ तो आप उन वीडियोज़ को भी जाके ज़रूर देखें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।